हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू एजुकेशन इंडिया। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में बात करेंगे बहुत ही बड़ी खुशखबरी के बारे में, जो कि गरीब लोगों के लिए निकल के सामने आ रही है, जहां पर भारत सरकार ने बहुत ही बड़ा ऐलान कर दिया है, जिसके बाद में आधार कार्ड योजना के तहत आधार कार्ड वाले लोगों को 2000 रुपए की धनराशि सीधे उनके खाते में मिलने जा रही है। और इसी कारण पूरे देश के लोगों में खुशी की लहर दौड़ने के साथ ही पूरे देश के को एक बहुत ही बड़ा तोहफा मिल चुका है। और भारत सरकार की तरफ से लोगों को राहत मिलने के साथ ही सौगात मिल चुकी है। तो दोस्तों, अभी हम आपको बताएंगे कि किन किन लोगों को और कैसे 2000 रुपए की धनराशि मिलेगी उनके खातों में। तो दोस्तों, संपूर्ण जानकारी इस वीडियो में देंगे। तो दोस्तों, इसलिए आप इस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक देखिएगा। लेकिन दोस्तों, उससे पहले आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और पास ही में आ रहे घंटी के निशान को अवश्य दबाइएगा, ताकि दोस्तों आपको आगे भी सरकारी योजनाओं की और आपके काम की हर एक जानकारी सबसे पहले देखने को मिले। और दोस्तों, आप इस वीडियो को लाइक और शेयर भी कर दीजिएगा, ताकि आपका सपोर्ट भी इस वीडियो को मिले। तो दोस्तों, चलिए अभी हम देखते हैं कि किन किन लोगों को और कैसे 2000 रुपए की धनराशि सीधे उनके खातों में मिलेगी और किस प्रकार से वह भारत सरकार के तोहफे का फायदा ले पाएंगे। तो भारत सरकार ने बहुत ही बड़ी घोषणा कर दी है, जिसके बाद में गरीब लोगों पर मेहरबानी कर दी और गरीब लोगों का दर्द समझते हुए उनको एक बहुत ही बड़ा तोहफा दे दिया है, जहां पर पैसों की किल्लत को दूर करने के लिए, गरीबों की परेशानी को कम करने के लिए बहुत ही बड़ी घोषणा की है और 12 लाख मजदूरों के खातों में 2000 रुपए की सहायता राशि भेजने का एक बहुत ही बड़ा आदेश जारी कर दिया है और एक बहुत ही बड़ा अद्भुत फैसला ले लिया है भारत सरकार ने, जहां पर भारत सरकार की तरफ से महाराष्ट्र राज्य में एक बहुत ही बड़ा एहतियात कदम उठाया गया है गरीबों के हित में, जहां पर लोक हित में बड़ा कदम उठाते हुए महाराष्ट्र सरकार ने कहा है कि 12 लाख मजदूरों के खातों में 2000 रुपए की धनराशि आएगी और ये सीधे उनके डीबीटी के माध्यम से मिलेगी। ये बहुत ही बड़ी घोषणा देखने को मिल रही है भारत सरकार की तरफ से, महाराष्ट्र सरकार की तरफ से। तो दोस्तों, आपको बता दें तो महाराष्ट्र राज्य के श्रम मंत्री दिलीप वालसे ने बताया कि जो है सरकार जो है प्रत्यक्ष लाभ हस्तांतरण योजना के तहत राज्य के 12 लाख जो है निर्माण कार्यों के क्षेत्र में लगे पंजीकृत श्रमिकों को जो है 2000 रुपए की धनराशि देने जा रही है। यह बहुत ही बड़ा ऐलान हो चुका है भारत सरकार की तरफ से, महाराष्ट्र सरकार की तरफ से। और इसी के साथ ही दोस्तों, यहां पर गरीब लोगों के लिए और मजदूर लोगों के लिए बहुत ही बड़ी खुशखबरी निकल के सामने आ रही है। तो दोस्तों, आप सभी को यह बता रहे, तो देश के अन्य राज्यों की अपेक्षा महाराष्ट्र में कोरोना मामला का खतरा बहुत ज्यादा और राज्य में अभी तक कई लोग मौत के घाट उतर चुके हैं और ऐसे में कई लोगों को जो है अभी पैसों की किल्लत सता रही है और इसका सबसे ज्यादा प्रभाव गरीब लोगों पर पड़ रहा है। और उनके सामने एक तरफ जहां कोरोना का संकट है, तो वहीं दूसरी तरफ पैसों का संकट मंडरा रहा है। और इसी कारण गरीबों के हित में और मजदूरों के हित में राज्य की सरकार ने बड़ा फैसला ले लिया है, जहां पर महाराष्ट्र में जो है निर्माण कार्यों से जुड़े लोगों को एक बहुत ही बड़ी राहत दी गई है। और बताया गया है महाराष्ट्र राज्य के श्रम मंत्री दिलीप वालसे पाटिल की तरफ से कि सरकार प्रत्यक्ष लाभ हस्तांतरण योजना के तहत राज्य के 12 लाख निर्माण कार्य से जुड़े क्षेत्र वाले लोगों को 2000 रुपए की सहायता राशि देने जा रही है, धनराशि देने जा रही है। और इसी के साथ ही आर्थिक तंगी को कम करने जा रही है राज्य में। यह बहुत ही बड़ा ऐलान किया जा चुका है महाराष्ट्र सरकार की तरफ से। तो दोस्तों, यदि आप महाराष्ट्र में रहते हैं और यदि आप भी मजदूर है, तो आपको भी ये 2000 रुपया मिलेगा। लेकिन दोस्तों, कैसे मिलेगा, कहां से मिलेगा और कब से मिलेगा, वह अभी आपको संपूर्ण जानकारी बता रहे हैं। तो दोस्तों, इसके लिए आपको कुछ भी नहीं करना है, आपका नाम जो है श्रमिक विभाग में पंजीकृत होना चाहिए और उसी के आधार पर आपके खातों में सीधा जो है 2000 रुपए की धनराशि प्रति महीने डाली जाएगी भारत सरकार की तरफ से, महाराष्ट्र सरकार की तरफ से। और दोस्तों, बता दें आपको, तो ये 10 से 15 दिनों के भीतर ही आपको ये रुपया मिल जाएगा, 2000 रुपए की पहले किस्त मिल जाएगी। और इसी प्रकार आगे भी आपको कई महीनों तक जो है 2000 रुपए की धनराशि मिलती रहेगी, यदि आप महाराष्ट्र राज्य में रहते हैं, यदि आप महाराष्ट्र राज्य से बिलोंग करते और यदि आप एक मजदूर वर्ग के लोग हैं, यदि आप एक गरीबी रेखा के नीचे जीवन करने वाले लोग हैं। तो दोस्तों, इस प्रकार से ये महाराष्ट्र सरकार की तरफ से बहुत ही बड़ी खुशखबरी निकल के सामने आ रही थी, जहां पर दिहाड़ी मजदूरों को न रहेगा, मजदूरों को
एक बहुत ही बड़ी राहत दी गई और सौगात दी गई है उद्धव सरकार की तरफ से, महाराष्ट्र सरकार की तरफ से। दोस्तों इस प्रकार से ये संपूर्ण जानकारी निकल के सामने आ रही थी आप सभी के लिए। तो दोस्तों यदि आपको ये संपूर्ण जानकारी अच्छी लगी है तो आप इस वीडियो को एक लाइक और शेयर कर दीजिए, और साथ ही दोस्तों आप इस चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिए और पास ही में दिख रहे घंटी के निशान को भी अवश्य दबा दीजिए, ताकि आपको आगे भी आपके काम की हर एक जानकारी देखने को सबसे पहले मिले। तो दोस्तों आप सभी का इस वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत और वंदे मातरम।